नमस्कार, मैं मनोज जुड़ चुका हूं आपके साथ 15वें मैच में T10 के में जो होने वाला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। और ये UAE की जो T10 लीग हो रही है उसके मैच नॉर्थन वॉरियर्स और MSA वर्सेस NYS न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स वर्सेस सैम पार्मी के मैच में जो ये है 28 तारीख को 7:45 पे खेला जाएगा। और इसके स्क्वाड के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, किरण पोलार्ड, इयान मॉर्गन, पॉल स्ट्रिंग, आजम खान, आद्रे फ्लेचर, रोमियो सेफर्ट, जॉर्डन थॉमसन, इजरा नावेद, अखिल हुसैन, मोहम्मद वसीम एंड क्रेग विलियमसन, नेव पंजाब एंड टॉम हार्टे, वहाब रियाज, रवि रामपॉल, स्टुअर्ट बिनी और यहाँ पर मुस्तका खान, ये है NVIS की टीम जिसकी जो कप्तानी है वो निभा रहे हैं किरण पोलार्ड। MSA की बात बता देता हूँ, डेविड मिलर और नोकिया और नॉटजी, मोइन अली, सिमरन हेटमे, डेविल पिटोरियस, जेडन चॉल्स एंड चमिका कुरुना रत्ने एंड गार्टन, और जैसे कि जार्डन है, अहमद राजा है, डॉड, हमीद, कॉटरेल, करीम जन्नत, कॉलिन डिग्रोम, बसली लेंडे एंड राजा आकिफ, ये है दोनों के स्क्वाड। यहाँ पर काफ़ी शानदार मैच हुए हैं। और जैसे कि मैं बात बताऊँ, टीम फॉर्म है जो NYS, जो इन्होंने दो मैच खेले जिसमें से एक मैच हारा हुआ है और एक मैच जीता हुआ है। और नॉर्थन वॉरियर्स ने की बात करूँ तो TCB के न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने जो मैच जीता था 99 रन बनाए थे और सामने वाली टीम को सिर्फ 72 रन पे आउट करके यहाँ पर न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने ये मैच जीता था और 27 रन से मैच जीत लिया था। अगले मैच की अगर हम बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं किरण पोलार्ड की जो टीम थी वो हार गई थी, और जिसमें से डेविड मलान और ये आप देख सकते हैं NSWIS के टीम और TCB की परफॉर्मेंस, जिन्होंने 99 रन बनाए थे 10 ओवर में। दूसरे मैच की हम बात कर लेते हैं सीधे NYS और MSA के, जिस टू इस मैच के बारे में हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो दूसरा मैच था NYS और वर्सेस बांग्लादेश टाइगर का, उसमें बांग्लादेश टाइगर 19 रन से विन हो गई थी। बांग्लादेश टाइगर ने 131 बनाए लेकिन NYS सिर्फ 112 रन ही बना सकी थी। फिर उसके बाद हम चल लेते हैं, दो मैच इनके हुए थे। तीसरे मैच जो MSA का है वो सिर्फ तीसरे जो T10 हुआ था उसमें एक मैच हुआ है और एक मैच वो जीती है। बांग्लादेश टाइगर के खिलाफ इनका मैच था, 85 रन पे आउट हो गई थी पूरी टीम और जो मॉरिसले कैंप आर्मी थी वो जीत गई थी 15 रन से। इस ओवरऑल इस टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। देखो, NYS ने दो मैच खेले, 50% जीत का रेशो रहा है, एवरेज स्कोर 105 रहा है, हाईएस्ट स्कोर 112 और लोएस्ट स्कोर 99। फिर वहीं MSA की बात कर लेते हैं, जिन्होंने एक मैच खेला है, विन परसेंट 100 रहा है और एवरेज स्कोर 100 और हाईएस्ट स्कोर 100 और लोएस्ट स्कोर भी 100 रहा है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑन वेन्यू की। ऑन वेन्यू में NYS ने यहाँ पर दो मैच खेले, 50% रहा है इनका जीत का रेशो और एवरेज स्कोर 105 रहता है, हाई स्कोर 112 और लोएस्ट यहाँ पर 99। फिर बात कर लेता हूँ MSA की, जिन्होंने एक ही मैच खेला है, 100 हाईएस्ट रहा है और 100 लोएस्ट रहा है और एवरेज स्कोर 100 रहा है। यहाँ के स्टेडियम की मैं बात कर लेता हूँ, विन बैट फर्स्ट 22 होती है, विन बॉल फर्स्ट 78 रहती है, एवरेज स्कोरिंग इसका 118 रहता है, हाईएस्ट टोटल 138 पे 3 देख सकते हैं आप, लोएस्ट टोटल 72 और लोएस्ट डिफेंडेड रहा है जो रहा है 131। फिर उसके बाद कर देते हैं कि रिसेंट मैच ऑन वेन्यू जिसमें TCB वर्सेज BGTB, जिसमें TCB वॉन हुई थी 33 रन से, और दूसरा जो मैच था एडिलेड स्ट्राइकर, माफ कीजिएगा, AD वर्सेज DB, जिनका मैच टाई हुआ था। उसके बाद DGL वर्सेज NW का मैच DAGL वॉन हो गई थी 24 रन से। अब मैं बात कर लेता हूं आगे फैंटेसी की। फैंटेसी के टॉप पिक्स में आप आद्रे फेचल को ले सकते हैं, बिसल हमीद को ले सकते हैं और आगे जो इनके बैट्समैन हैं ये, और फिर उसके बाद बैट्समैन में कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा था, आद्रे फ्लेचर, डेविड मलर और सिमरन हेटमेयर, ये रहेंगे। और राउंडर्स में आप ले सकते हैं बिसल हामिद, डेविन पिटोरियस, किरण पोलार्ड, और फिर उसके बाद आगे अगर हम बॉलर्स की बात करें तो देखिए वहाब रियाज, जॉर्डन थॉमसन, और यहाँ पर और की मैं बात करूँ तो देखिए थॉमसन, जिन्होंने 11 विकेट, सेल्डन कॉटरेल को भी आप ले सकते हैं एज ए बॉलिंग। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए सेडल कॉटरेल की वो परफॉर्मेंस की बात करें, जिन्होंने 22-0, 24-2, 18-1, और वहीं गार्टन की बात करें तो फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको, और प्लेयर स्टेटस जो सीरीज में क्या क्या चल रहा है फैंटेसी पॉइंट्स में, थॉमसन सबसे आगे हैं, उसके बाद किरण पोलार्ड 103 पॉइंट पे, डेविन पिटोरियस 102 पॉइंट पे, वहाब रियाज 91 पे, और कहीं ना कहीं मोस्ट रन्स में आ जाता हूँ। मोस्ट रन में किरण पोलार्ड ने 46 रन बनाए, आजम खान ने 45 रन बनाए, पॉल स्ट्रिंग 39, सिमरन हेटमेयर 38 और रोमियो सेफर्ट 23 रन। मोस्ट विकेट्स की तरफ हम चल लेते हैं, मोस्ट विकेट्स में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं। मोस्ट विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जॉर्डन थॉमसन, जिन्होंने 3 विकेट लेके सबसे ऊपर, वहाब रियाज 3 विकेट, डेविन पिटोरियस 3 विकेट, अकिल हुसैन 2 और रवि रामपॉल
दो। उसके बाद मैं बात करता हूं मोस्ट सिक्सेस की, जिसमें किरण पोलार्ड सबसे आगे हैं, 4 छक्के, सिमरन नेटमेयर 3 छक्के, जॉर्डन थॉम्पसन 2 छक्के और रोमियो सेफर्ट 2 छक्के और वहीं अजाम खान 2 छक्के। हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल की मैं बात कर लेता हूं, किरण पोलार्ड 45 रन, सिमरन नेटमेयर 38 रन, अजम खान 34 रन, पॉल स्टर्लिंग 32 रन और करीम जन्नत 22 रन। बेस्ट स्ट्राइक रेट की हम बात कर लेते हैं, बेस्ट स्ट्राइक रेट में कहीं ना कहीं जॉर्डन गार्टन की है 350 की, जॉर्डन थॉम्पसन 244 की, किरण पोलार्ड 209 की और रोमियो सेफर्ड 209 की, सिमरन नटमेहर 180। बेस्ट एकोमेनी की तरफ हम चलते हैं, अकेल हुसैन सबसे ज्यादा रहे जिन्होंने 3 और डेविन पोटोरियस 550, करीम जन्नत 7 और रवि रामपाल 8 और नोकिया 8.0। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बेस्ट फिगर की, बेस्ट फिगर में भी कहीं ना कहीं जैसे कि अकेल हुसैन और डेविन पोटोरियस कहीं ना कहीं आ सकते हैं क्योंकि ये शानदार बॉलर हैं। और बेस्ट फिगर की मैं बात कर लेता हूँ, अकेल हुसैन जैसे कि मैं बात कर रहा था, जॉर्डन थॉम्पसन 11 पे 2, अकेल हुसैन 6 पे 2, रवि रामपाल 16 पे 2, वाब रियाज 24 पे 2 और रोमियो सेफर्ड 13 पे 1। पेस वर्सेज स्पिन की मैं बात कर लेता हूँ, पेस यहाँ पर 71% रहती है, स्पिन वहीं 23% रहती है। टीम एनालाइज की मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं MSA की जो अभी तक दिखाया हुआ है, मिडिल ऑर्डर सिर्फ थोड़ा बहुत है और टीम की ओपनिंग अभी तक चल नहीं पाई है, बैटिंग डेथ बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर जो पेस बॉलिंग है वो भी ज़्यादा अच्छा टैग नहीं है, स्पिन बॉलिंग भी अभी तक देखने को नहीं मिली है। और वहीं NYS की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ इसमें यहाँ पर जो ये मैच है इसके बारे में, अगर मैं प्लेयर्स के बारे में बात करूँ, किरण पोलार्ड काफ़ी फॉर्म में है, जिनकी बैटिंग की बात करूँ तो 1, 45, 13, 31, 34, 8, 17, 16 ये इनकी रिसेंट फॉर्म रही है, किरण पोलार्ड की कप्तान भी है। फिर बात कर लेता हूँ मैं इयान मॉर्गन की, जिन्होंने 15, 7, 0, 8, 5, 0, 27 ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म इयान मॉर्गन के बाद अगर हम चलें तो। फिर उसके बाद इयान मॉर्गन के बाद चलते हैं पॉल स्टेंग की तरफ, पॉल स्टेंग काफ़ी धमाकेदार है, जिन्होंने 32, 7, 27, 11, 14, 34, 66 ये रहा है इनका अभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। फिर बात कर लेते हैं आजम खान की, आजम खान ने 11, 34, 0, 6, 24, 31, 14। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आते हैं सीधे आजम विकेट कीपर आदरे फ्लैचर की तरफ, आदरे फ्लैचर 68, 3, 0, 1, 30, 8, 2 ये है आदरे फ्लैचर का रिसेंट फॉर्म। आदरे फ्लैचर के बाद अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो रोमियो सेफर्ड की बात करूं तो मैं एक जो उन्होंने गेंदबाजी भी करी है, बैटिंग भी करी है तो 13 पे 1, 0 विकेट, 0-2, 0-2, 4 ये रही इनकी रिसेंट फॉर्म विकेट्स की। अगले अगर मैं बात करूं तो इजराइल नावेद जॉर्डन थॉम्पसन माफ कीजिएगा, जिन्होंने 2 विकेट 1 विकेट, 0-0-0-4-1 तो काफ़ी शानदार ऑलराउंडर हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नावेद ने 35 पे 2, 21 पे 0, 16 पे 1, 19 पे 3, 11 पे 0, 6 पे 2, 34 पे 0 ये लेग स्पिनर हैं और काफ़ी नावेद का भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अकेल हुसैन वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, 6 पे 2, 26 पे 1, 58 पे 0, 37 पे 2, 52 पे 2, 44 पे 0, 29 पे 1 शानदार बॉलर है, कभी कभी T20 में ये नई गेंद से भी गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेता हूँ मोहम्मद वसीम ने जो रन बनाए हैं 2, 0, 12, 11, 50, 44, 15 ये रहा इनका जो अभी रिसेंट फॉर्म है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर बात कर लेता हूँ क्रेग विलियमसन जो बॉलर है वेस्ट इंडीज के, 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट ये रहा इनका रिसेंट फॉर्म, ज़्यादा विकेट्स इन्होंने लिए नहीं है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पबरेजा ने भी देखिए, अगर मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर है ये, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट ये रही है इनकी रिसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टॉम हार्टले ने 52 पे 5, 3, 1, 2, 0, 2, 0 ये रहा इनका रिसेंट फॉर्म। फिर टॉम हार्टले के अलावा अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं किरण पोलार्ड के बाद तो वहाब रियाज काफ़ी शानदार है, 23 पे 1, 24 पे 2, 37 पे 2, 42 पे 1, 15 पे 0, 46 पे 0, 17 पे 1 शानदार बॉलर हैं और काफ़ी टिपिकल बॉलर हैं ये यहाँ पर वहाब रियाज के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो रवि रामपाल जो कहीं ना कहीं शानदार ऑस्ट्रेलिया मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, जिन्होंने 16 पे 0, 16 पे 2, 52 पे 1, 10 पे 2, 19 पे 4, 21 पे 1, 24 पे 1 ये है इनका रिसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो फिर चलते हैं स्टुअर्ट विनी अपन इंडिया के हैं, कौन नहीं जानता इन्हें, 6 पे 4, 2 पे 8, 6 पे 2, 11 पे 18, 42 पे 82, 4 पे 3, 24 पे 25 ये रहा है इनका बैटिंग स्कोर। फिर उसके बाद मैं दूसरी टीम की बात कर लेता हूँ, MS की खान है जिन्होंने 19 पे 1, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 19 पे 1, 19 पे 1, 16 पे 1, 12 पे 1, 23 पे 1, 9 पे 1 और 18 पे 1 ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फारूक की बात कर लेता हूँ, फारूक काफ़ी शानदार ऑलराउंडर हैं और फारूक में
मोहम्मद फारूक ऑलराउंडर तो हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर बैटिंग भी कर सकते हैं और रिसेंट की मैं बात कर सकता हूँ। देखिए उनमें 4 रन 27 2 21 0 12 1 ये रही है इनकी रिसेंट फॉर्म। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए स्टुअर्ट थॉमसन ने देखिए चाल अभी तक कहीं ना इनको मौका मिला नहीं है, जिन्होंने 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 0 23 ये आयरलैंड के फास्ट बॉलर। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरी टीम की बात कर लेता हूं तो कप्तान डेविड मिलर, उसको कौन नहीं जानता, साउथ अफ्रीका के टॉप ब्लास्ट प्लेयर है। साउथ अफ्रीका की रिसेंट फॉर्म में 3 रन 17 रन 59 रन 2 रन 7 रन 35 रन और 75 रन ये धमाकेदार पारी है यहाँ पर डेविड मिलर की। और फिर डेविड मिलर की बात करता हूं तो मैं फिर करता हूं नोकिया नॉटर्जी, यहाँ पर देखिए 16 पे 0 10 पे 1 41 पे 4 23 पे 1 10 पे 4 10 पे 1 16 पे 0 ये रही है इनकी जो बॉलिंग फिगर है वो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मोइन अली ने 8 पे 11 31 पे 18 4 पे 10 13 पे 19 5 पे 1 6 पे 5 12 पे 24 ये है मोइन अली की जो बैटिंग इन्होंने अभी जो रिसेंट फॉर्म में है। जो फिर उसके बाद बात कर लेता हूं सिमरन हेटमेयर जिन्होंने 21 पे 38 76 पे 86 16 पे 21 40 पे 37 13 पे 9 22 पे 11 16 पे 12 ये है सिमरन हेटमेयर जो काफी खतरनाक बैट्समैन है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं सिमरन हेटमेयर के बाद डेविन पिटोरियस और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के शानदार बॉलर जिन्होंने ये ऑलराउंडर है काफी, जिन्होंने 2 मैच में 1 रन बनाया 16 बॉलों पे 15 रन 13 बॉलों पे 9 रन 12 बॉलों पे 27 4 पे 2 2 पे 3 17 पे 23 ये डेविन पिटोरियस जो काफी शानदार है साउथ अफ्रीका के। उसके बाद बात कर लेता हूं वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स ने 6 में 7 7 पे 8 87 पे 89 3 पे 2 21 पे 16 12 पे 9 और 63 पे 64 ये है जॉनसन चार्ल्स की रिसेंट फॉर्म। जॉनसन चार्ल्स के बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो चमिका करुणरत्ने 100 यहां पर श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं और देखिए 34 पे 0 21 पे 1 29 पे 1 11 पे 0 14 पे 0 36 पे 1 और 26 पे 2 ये है इनके जो बॉलिंग करियर स्टेट्स हैं। उसके बाद अगर करुणरत्ने के बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो बहुत शानदार टीम है इनकी बहुत, और जॉर्ज गार्टन ये हैं इंग्लैंड के काफी शानदार मीडियम पेसर 4 पे 14 ऑलराउंडर्स भी हैं 14 पे 25 1 पे 0 2 पे 4 17 पे 37 7 पे 7 और 16 पे 31 ये रही इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस। गार्टन के बाद मैं चलता हूं एंड्रू गॉस ने कहीं ना कहीं देखिए जो बैटिंग करी है 2 पे 0 19 पे 35 61 28 पे 25 7 पे 3 और 145 गेंदों में 163 रन 66 बॉल पे 66 रन शानदार प्लेयर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ओबे स्पिनर बैट्समैन है ऑलराउंडर है जिन्होंने 37 गेंदों में 22 रन 32 गेंदों में 34 रन 9 गेंदों में 3 रन और 20 गेंदों में 19 और वहीं 1 बॉल पे 0 रन। अगले प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं जो है ब्रैम जाडा ने देखिए अभी शतक लगाया 120 बॉलों में 106 रन 23 बॉलों में 26 रन 18 बॉलों में 22 और 32 बॉलों में 32 34 पे 35 39 पे 46 और 59 पे 64 जार्डन काफी अच्छे बैट्समैन है और इन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ रिसेंट 100 भी लगाई है। अगले अगर मैं बात करूं अगले प्लेयर की तो जार्डन के बाद जो सीधे प्लेयर की तरफ मैं जाता हूं वो है अहमद राजा ने देखिए जो गेंदबाजी करी है उन्होंने को विकेट तो नहीं मिले 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट ये रही बॉलिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अहमद राजा के अलावा कासिड डॉट ने 4 पे 0 14 पे 15 9 पे 7 2 पे 1 00 28 पे 23 0 पे 1 ये शानदार ऑलराउंडर हैं, ज़्यादा अभी इनको इतना मौका मिला नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं बिसेल हमीद ये देखिए कहीं ना कहीं 23 बॉलों पे 8 रन 26 बॉलों पे 24 16 पे 14 14 पे 25 6 पे 2 4 पे 4 10 पे 5 ये है इनके बैटिंग जो अभी तक इन्होंने बैटिंग करी है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सैडल कॉटरेल, ये देखिए आप जानते ही होंगे इनको जो इनका स्लूट है विकेट में कहीं ना कहीं इनके पास कमी है 22 पे 0 46 पे 0 6 पे 2 4 पे 0 34 पे 0 49 पे 2 33 पे 3 ये रहा इनका भी जो रिसेंट फॉर्म, इन्होंने जो 5 मैच खेले हैं। फिर उसके बाद कॉटरेल के बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी टीम में काफ़ी बैलेंस साइड है। कॉटरेल के बाद करीम जन्नत, ये अफगानिस्तान के हैं करीम जन्नत जिन्होंने 14 गेंद में 22 रन बनाए 4 बॉल पे 2 रन 19 गेंदों में 15 रन 1 पे इनका खाता नहीं खुल सका 9 पे 4 16 पे 30 18 पे 24 तो अच्छी हिट लगा सकते हैं करीम जन्नत। करीम जन्नत के मैं बात करूं तो उसके बाद न्यूजीलैंड के जो बड़े ऑलराउंडर कॉलिन डिग्रोम ने 4 बॉलों पे 0 रन 2 बॉलों पे 0 रन 38 बॉलों पे 52 रन 98 गेंदों में 84 27 पे 25 10 पे 12 और 1 ये देखिए अभी तक ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है अभी रिसेंट टाइम में क्योंकि पहले न्यूजीलैंड से लगातार खेलते वाले थे बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। बस डीलैंड है यहाँ पर, ये देखिए इसकी बात करूं तो ये देखिए रिसेंट जो बैटिंग करी है इन्होंने 7 में 1 12 पे 12 16 पे 6 23 पे 16 1 14 30 ये इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बस डीलैंड की। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजा आकिफ ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं 2 रन 1 रन 1 रन। तो ये था हमारा कहीं ना कहीं पूरा जो प्रिडिक्शन था इस मैच के बारे में जो डिटेल्स थी। बिल्कुल आप बने रहिए कैश कर ले के साथ और इस चैनल को लाइक करिए।